अरे छोकरा चुनाव नहीं लड़ रहा था, कांग्रेस का सिंबल चुनाव लड़ रहा था, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन तुम सबने मिलकर कांग्रेस को हराने का काम किया। और आज तुम कांग्रेस की बात करते हो, कौन से कांग्रेस की बात कर रहे हो? अभी समय आने पर हम बताएंगे किस किसने क्या किया। ऐसे पदाधिकारियों को आप मंत्री जी खराब बैठे हुए हैं, इसको हटाइए यहाँ से। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर डूंगरपुर कांग्रेस के बैठक में सभी नेता पुराने विवादों को भूलकर एकजुटता का संदेश देते दिखे। वहीं डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा ने चुनावों में उनके खिलाफ प्रचार को लेकर जमकर आक्रोश जताया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, इलेक्शन कमेटी के मेंबर रामलाल जाट, विधायक रोहित बोहरा की मौजूदगी में विधायक गणेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करने वाले लोगों को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। मैं तो निर्दलीय की तरह चुनाव लड़ा हूं और पार्टी के लोग दूसरे के साथ प्रचार कर रहे थे। ऐसे लोग ही आज कांग्रेस पार्टी की जाजम पर आकर बैठे हैं। उन लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, जो लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे उनको खड़ा कर पार्टी से बाहर निकलना पड़ेगा। विधायक गणेश गोगरा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी, उस समय उन्होंने खूब काम कराया, वे कांग्रेस के पदाधिकारी बनकर बैठे हैं, लेकिन चुनावों में कांग्रेस को हराने में लगे थे, निर्दलीय प्रत्याशी के साथ प्रचार कर रहे थे, अब यहां आकर कांग्रेस की बात करते हैं, किस मुंह से वे कांग्रेस में आए हैं। ऐसे लोग विधानसभा में जाएंगे तो लोग जूते चप्पल से मारेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऐसे लोग उन्हें रिमोट कंट्रोल की तरह चलाना चाहते हैं, लेकिन वे रिमोट से चलने वाले नेता नहीं हैं। वे कांग्रेस की बात मानेंगे, लेकिन यहां के नेता जो कांग्रेस को हराने का काम करते हैं उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। ऐसे लोगों को पार्टी से भगाने की जरूरत है। खूब नए कार्यकर्ता आएंगे तो काम भी होंगे और पार्टी भी मजबूत होगी। विधायक गणेश गोगरा ने बीएपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीएपी को लाने में वही लोग हैं जो कांग्रेस को हराने में लगे थे, और फिर कहते हैं कि बीएपी से गठबंधन करेंगे। मैं कहता हूं कि बीएपी से कोई गठबंधन नहीं होगा, पार्टी को यहां का कार्यकर्ता मजबूत करेगा और लोकसभा चुनावों में मेहनत से काम करेंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी में आजादी के बाद से चला आ रहा रिवाज कायम रहेगा। डूंगरपुर जिले के सभी कांग्रेस नेताओं ने हाथ खड़ा कर एक स्वर में उसी आवाज को आगे बढ़ाने की हरी झंडी भी दे दी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार ने स्वागत भाषण के दौरान कहा कि बांसवाड़ा की 5 और डूंगरपुर की 3 विधानसभा सीटों को मिलाकर 1 विधानसभा है। कांग्रेस में रिवाज है कि एक बार डूंगरपुर और एक बार बांसवाड़ा का प्रत्याशी होगा। डूंगरपुर से प्रत्याशी टर्म हो गया है, इस बार बांसवाड़ा से प्रत्याशी उतारा जाएगा। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, विधायक गणेश गोगरा, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश खुडनिया समेत कई सभी कांग्रेसी नेताओं ने हाथ खड़े कर समर्थन दिया। अब पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने बांसवाड़ा जिले से प्रत्याशी उतारने की परंपरा का समर्थन करते हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया को प्रत्याशी बनाने की भी बात रखी है, और इस पर विधायक गणेश गोगरा, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश खुडनिया समेत कांग्रेसी नेताओं ने समर्थन किया। पर्यवेक्षक के रूप में आए रामलाल जाट और रोहित बोहरा ने उनकी भावनाओं को आलाकमान तक पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया है। आपका क्या कहना है इस पूरे सीन पर? गणेश गोगरा ने जो आक्रोश जताया है, बीएपी से भी खासी नाराजगी उनकी दिखाई दी है, और ऐसे कौन लोग हो सकते हैं, कौन नेता हो सकते हैं जो चुनावों के समय कांग्रेस से धोखा करते दिखाई दिए थे, किसकी तरफ गणेश गोगरा का इशारा है? अगर आप जानते हैं तो उनका नाम और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए, और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। जो जनता हमारी खबरों को देखती है, जाहिर सी बात है आपके व्यूज और आपका प्यार देखकर हमें ये तो पता चल जाता है कि आपको हमारी खबरें बेहद पसंद है, हमारे काम करने का तरीका बेहद पसंद है, हमारी सच्चाई और बेबाकी आप बहुत पसंद करते हैं। आप जब हमारी खबरों को देखते हैं बहुत अच्छा लगता है हमें, लेकिन इनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं। आप देखते हैं, समर्थन देते हैं, तो यहाँ भी सब्सक्राइब करना भी आपका बनता है, ताकि आपका साथ हमारे साथ हमेशा से बना रहे और हम यूं ही बेबाकी के साथ आप तक ये सारी खबरें और सारा घटनाक्रम पहुंचाते रहें। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। ये चैनल बेबाक राजस्थान आपका चैनल है, और महज 1 लाख होने में महज 3,000 और कम हो रहे हैं, और वो आप चाहें तो बहुत जल्द पूरे हो सकते हैं।